नमस्कार, साहस समाचार टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा धीर। आइए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। इटावा में बोले पीएम मोदी, शाही परिवार का वारिस ही सीएम पीएम बनेगा, ये कुप्रथा इस चाय वाले ने तोड़ दी है। अयोध्या पहुंचे पीएम मोदी, किए रामलला के दर्शन। चुनाव आयोग ने आंध्र प्रदेश के डीजीपी वी राजेंद्र नाथ रेड्डी का तत्काल प्रभाव से किया ट्रांसफर। तीसरे चरण के लिए थमा चुनाव प्रचार, 7 मई को 94 सीटों पर होनी है वोटिंग। तेलंगाना में बोले राहुल गांधी, हम पूरे देश में जातिगत जनगणना करवाएंगे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने महाराष्ट्र के लिए जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। चरणजीत चन्नी ने लगाया बड़ा आरोप, बोले चुनाव से पहले बीजेपी का स्टंट है पुंछ हमला। राधिका खेड़ा ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा, बोली मेरे अयोध्या जाने से पार्टी में था विरोध। रांची में बीएसएनएल ऑफिस के स्टोर रूम में लगी आग, शॉर्ट सर्किट की आशंका। रायबरेली से राहुल के चुनाव लड़ने पर बोले गौरव वल्लभ, ये वायनाड के लोगों के साथ धोखा है। सूरत में हिंदू नेताओं के खिलाफ हत्या की साजिश रचने वाला मौलवी हुआ गिरफ्तार। आईपीएल 2024 में पंजाब को हराकर टॉप 3 में पहुंची चेन्नई। दक्षिणी ब्राजील में बारिश से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 56। खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें साहस समाचार टीवी के साथ। नमस्कार।